नमस्कार किसान भाइयों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डाकर ट्रैक्टर जंक्शन। और आज की इस वीडियो में किसान भाइयों, ये सोयाबीन की फसल जो पूरी तरह से सूख चुकी है और ये कंप्लीट आ चुकी हैं, कटने के लिए तैयार हो चुकी हैं, परंतु कुछ दिनों से किसान भाइयों मौसम की मार पड़ रही थी, तो इसमें किसान भाइयों अभी कोई कटाई वटाई नहीं हो रही है, जिसके कारण बहुत ज़ोरदार कंडीशन में ये सूख चुकी हैं। इसकी हम आपको कंडीशन चेक कराते हैं कि इस बार सोई की फसल कैसी है और कितनी पैदावार निकलने का अनुमान है। इससे पहले आप किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाए। तो किसान भाई शुरू करते हैं वीडियो को, तो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे किसान भाइयों की, ये जो किसान भाइयों सोयाबीन की फसल है, ये 95-60 क्वालिटी का सोयाबीन है किसान भाइयों। और 95-60 में किसान भाइयों आपको हम रूबरू कराते हैं सोयाबीन में, जैसे कि ये फसल है, ये तना है किसान भाइयों, ये इतना बड़ा था तो ये 95-60 में छोटा होता होता था, इतना सा रह जाता है एक फीट के आसपास। और किसान भाइयों हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले जब पानी की ज़रूरत थी किसान भाइयों, तो बारिश हुई नहीं, 2 महीने के आसपास बारिश नहीं हुई, 1.5 महीने के आसपास, और फिर बारिश आई, बारिश अभी आई 10 दिन पहले, तो ये इसमें कोई फायदे वाली बात नहीं रही किसान भाइयों, क्योंकि बारिश बहुत लेट हो चुकी थी, जब तक पानी गिरा वो तक बहुत लेट हो चुका था। और किसान भाइयों इसमें आप देख सकते हैं ये फलियां हैं, तो फलियां किसान भाइयों जब फूल आ रहे थे, तो फूल आने के समय तो बारिश नहीं हुई, तो वो फूल तो खिरा गए थे, वो तो ख़राब हो गए थे और सूख चक्कर गिर गए। जो फूल बचे थे जिनकी फलियां बनी और फलियां बनी, उनमें भी ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये बहुत सी फलियों में दाने नहीं है इसमें, मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ, देख सकते हैं किस किस फलियों में दाने और किस किस में दाने नहीं हैं। और जो ठंडी हवा चलती है बारिश के समय, ठंडी हवा भी चली अभी, तो जो पिछले वाली फलियां बनी किसान भाइयों उसमें तो ये ठंडी हवा चली, जिसके कारण इसमें शीतलहर चलकर वो जल गई, और जो फलियां बची हैं उनमें भी पोच है, मतलब पोच बनी हुई हैं जो कि मशीन के थ्रेसर में ये उड़कर भूसे के रूप में बाहर निकल जाएगी और ये कुछ काम नहीं करेगी। तो लमसम पिछले साल का सोयाबीन हुआ था किसान भाइयों, पिछले बार जो फसल हुई थी 2 बोरी 3 बोरी कहीं पर 1 बोरी क्विंटल के आसपास हुई थी, तो वैसा ही अनुमान है किसान भाइयों निकलने का, इससे ज़्यादा अगर निकल जाए तो वो किसान का भाग्य हो गया किसान भाइयों, जिसने पैदा पानी की पिलाई की और अच्छे खासी पिलाई कर दी, उसके किसान भाई निकल सकते हैं, वरना हमारे हिसाब से तो फसल सोयाबीन में वीक ही जाएगा, ये बहुत घाटा जा रहा है किसान भाई सोयाबीन में, इसका कटाई का खर्चा भी नहीं निकलेगा। अगर कोई किसान भाई इसमें मजदूर लगाता है तो मजदूर के पैसे और इसकी निकलवाई भी ऊपर पड़ेगी, और इसमें इसको खाली करने में लगभग 1000 से 2000 रुपये का खर्चा आएगा, ये 4 बीघे का सोयाबीन है, इसमें ये पूरा सोयाबीन ये 4 बीघा किसान भाइयों अभी आ चुका है किसान भाई, इसकी हम कटाई करने के लिए प्रयास करेंगे, 1-2 दिन में इसकी कटाई चालू हो जाएगी, क्योंकि फिर बार मक्का की फसल भी आएगी, उसकी कटाई भी करनी पड़ेगी। तो इस बार तो किसान भाइयों बहुत घाटा है इस चौमैसे की फसल में, क्योंकि बारिश समय पर नहीं आई, और मक्के की फसल में कैसा उत्पादन रहेगा इसका भी हम आपको वीडियो बनाकर बहुत ही जल्द पेश करेंगे। तब तक के लिए आप हम इस चैनल को देखते रहे किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत।